जिले की कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोरोना टीकाकरण केंद्रों का दौरा करते हुए कम वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए टीकाकरण में आ रही समस्याओं का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ने ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर ग्रामीणों को टीकाकरण कराने की समझाइश देते हुए वहीं पर उन ग्रामीणों का टीकाकरण करवाया व ताली बजाकर उनका सम्मान किया। हालांकि टीकाकरण अभियान में ग्रामीणों के पलायन को भी उन्होंने एक बड़ी समस्या मानते हुए कहा है कि पलायन पर गए हुए ग्रामीणों का सर्वे कर लिया गया है और अब उन लोगों को वहीं पर जहां वे मौजूद हैं टीकाकरण करवाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके और बचाया जा सके। वहीं लोगों से अपील भी की है कि वे जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाएं ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। टीका लगाए बिना कैसे चलेगा, अपन बार बार सुनते हैं तीसरी लहर आएगी, अपन दूसरी लहर में इतना कुछ झेल सके, अपने को अपील कर दीजिए। मैं सभी जिले वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि टीकाकरण अवश्य कराएं और जल्द से जल्द कराएं ताकि कोरोना की महामारी के अगले लहर यदि कोई आती है तो हम उससे बच सकें। क्या चल रहा है अभी वर्तमान में जिले में वैक्सीनेशन को लेकर? वर्तमान में जिले में फर्स्ट डोज जो है वो 62% लोगों को एडमिनिस्टर हो चुके हैं, जो कि लगभग 280,000 लोग हैं, और सेकेंड डोज जो है वो 42,000 लोगों को एडमिनिस्टर हुआ है। तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों का वैक्सीनेशन बचा हुआ है। इस संबंध में हमारी टीम्स लगातार गांव-गांव में फलिए में जा करके लोगों को टीकाकरण करने के लिए मोटिवेट कर रही है। आज मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग टीका नहीं लगवा रहे थे उनसे बातचीत की और अच्छे परिणाम देखने को आए हैं। आज ही उन गाँवों में कुछ लोगों ने टीका भी लगवाए हैं और मुझे आशा है कि बाकी के छूटे हुए लोग भी जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवाएंगे। मैम, पलायन एक बड़ा मुद्दा है सामने, इसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा? पलायन की स्थिति वर्तमान में डेफिनेटली जिले से काफ़ी लोग पलायन किए हुए हैं और इस संबंध में हमारे ज़िले में एक सर्वे भी कराया था हम लोगों ने, जिसमें पलायन की जानकारी गांववार हमारे पास आ गई है। ऐसे लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार कर ली है, उनको भी हम कॉल्स कर रहे हैं और कॉल्स करके उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि वो वर्तमान में जहाँ पर भी है वहाँ अपना टीकाकरण कराएं और इन एनी केस जब वो ज़िले में वापस आएंगे तो उनसे हम यह जानकारी प्राप्त करके कि उनका टीका लगा है या नहीं, उनके लिए विशेष अभियान चला करके जो भी टीकाकरण से छूटे हुए लोग हैं सभी का टीकाकरण कराएं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।